So, कई हजार साल से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब हजार साल नहीं, कई महीनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज टमी ट्रिमर पे वीडियो बनाओ। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है। मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि डे 11 पे कुछ नया और कुछ यूनिक होने वाला है। So, यहाँ पे करेंगे टमी ट्रिमर से कौन कौन से वर्कआउट कर सकते हैं वो, और आपके लिए इस मार्केट में कौन सा बेस्ट है टमी ट्रिमर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बात कम करते हैं, सीधे शुरुआत करते हैं वर्कआउट्स। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा की तरह मैं करता हूं और हमेशा की तरह आप भी पूरी कर देते हो, वो है चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टा हैंडल पे मैसेज या डीएम कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं टमी ट्रिमर वर्कआउट। तो ये है फिटपिक की तरफ से आने वाला ओरिजिनल टमी ट्रिमर, जिससे आप बहुत वैरायटीज ऑफ वर्कआउट कर सकते हो। आप बैक को ट्रेन कर सकते हो, अपने ग्लूट्स को, अपने हैमस्ट्रिंग को, अपने आर्म्स, अपने ट्राइसेप, अपने बाइसेप को आप इजीली इससे ट्रेन कर सकते हो। सो दिस इज द ओनली ब्रांड दैट इज फिटपिक जो कि आपको ओरिजिनल टमी ट्रिमर प्रोवाइड करता है। ये है ओरिजिनल टमी ट्रिमर, ये है एक थर्ड क्लास डुप्लीकेट टमी ट्रिमर। So, अगर क्वालिटी की बात करूं तो पहले बात करते हैं फिटपिक की तरफ से आने वाला ये जो टमी ट्रिमर है, इसकी जो पैडिंग देखो क्या था, बहुत ही उमदा है और बहुत ही क्लासी लुक देता है। और जो ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी जब आप इसमें पैरों को रखोगे। किसी भी एज ग्रुप को, किसी भी वेट के इंसान के पैर इसके अंदर बहुत आराम से चले जाएंगे। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है स्प्रिंग। अगर आपका स्प्रिंग अच्छा नहीं है तो आपको इंजरी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है और वर्कआउट में उतना इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जहां पे स्प्रिंग यूज किया गया है वो बहुत ही ड्यूरेबल है और बहुत ही उमदा क्वालिटी का इसमें स्प्रिंग यूज किया गया है। सबसे जरूरी होता है किसी भी वर्कआउट गियर यानी कि इक्विपमेंट्स में, वो है ग्रिपिंग। तो यहाँ पे ग्रिपिंग आपको बहुत अच्छी मिल रही है। और सबसे जरूरी चीज़ है वो है इसके जो हैंडल्स हैं वो वर्कआउट करते समय डिटैच नहीं होते हैं, तो ये अच्छी बात है, आपको इंजरी बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरी, अगर वहीं मैं एक थर्ड क्लास डुप्लीकेट प्रोडक्ट की बात करूं तो आप पैडिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ये चीप लग रहा है, और वर्कआउट करते समय आपको कहीं भी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो स्प्रिंग है वो बहुत ही टाइट है, करने में आप कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको रस्ट दिखेगा और ये कभी भी डिटैच हो सकते हैं ड्यूरिंग योर वर्कआउट, तो इंजरी होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप ऐसे थर्ड क्लास इक्विपमेंट्स को ऑर्डर करो। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ये फिटपिक का बहुत ही उमदे क्वालिटी का ये टमी ट्रिमर है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। और इसका स्प्रिंग है लगभग वो 1.5 साल 2 साल तक आप इजीली चला सकते हो, कोई भी इशू होने वाला नहीं है। बहुत फेमस ब्रांड और बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, इनके इक्विपमेंट जो भी होते हैं पूरी तरीके से ऑथेंटिक और जेन्युइन होते हैं। तो इसके बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। सो जो पहली वर्कआउट है इस टमी ट्रिमर से वो हम लोग करने वाले हैं अपने अपर एब्स के लिए। सो बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, कैसे करना है देखो। सो पहले तो पैरों में फंसा लेना है, चाहो तो आप शूज़ पहन के भी कर सकते हो, चाहो तो आप सॉक्स पहन के भी कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल फील करो। सो आपको पकड़ के ब्रीद आउट, ब्रीद इन, एब्स पर ध्यान देते हुए फोकस करते हुए 4। अगर फॉर्म देखो तो मैं अपने बैक को लॉक रख रहा हूँ और अपने एब्स से ही ऊपर आ रहा हूँ, सो दैट मेरे एब्स पे ज्यादा से ज्यादा टेंशन क्रिएट हो सके। बहुत सिंपल, बहुत इजी वर्कआउट आप इस टमी ट्रिप से परफॉर्म कर सकते हो। देख रहे हो, अपर बेली के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है, इसको आप जरूर अपने वर्कआउट पैटर्न पे ऐड कर सकते हो। सो ये लग गए 10 reps, आपको ऐसे ही 10 reps के 3 sets लगाने हैं। आइए देखते हैं आप दूसरी वर्कआउट इससे आप कौन सी कर सकते हो। सो अब हम लोगों ने अपने अपर एब्स को टारगेट किए हैं, अब हम लोग करेंगे अपने लोअर एब्स को टारगेट। सो ये कुछ लेग राइजेस की तरह ही है, बट कैसे करना है आप ध्यान दो। पैरों को मैंने फंसा रखा है, अच्छे से फंसा लो, देन 1, पूरा पैर ऊपर 90 degree, ये, देन पूरा स्ट्रेच, 2, 3, 4, बहुत आराम से फोकस करते हुए, ध्यान रखते हुए,
कि आपका एब्स पे जोर पड़े, लोअर पाउच पे जोर पड़े। अगर सी सेक्शन के बाद पेट बाहर है, उसके लिए वर्कआउट बहुत ही इजी है और बहुत ही इफेक्टिव है। देख रहे हो आप कितना आराम से मैं लगा रहा हूँ अपने आप पर। एब्स को टारगेट भी किया हूँ और ईजिली मैं ऊपर पैरों को रख रहा हूँ और मैं नीचे ले जा रहा हूँ। तो ये आप लगाओगे 15 रेप्स के 3 सेट्स। तो ये है हमारी दूसरी वर्कआउट। देखो अक्सर फीमेल्स कमेंट करती हैं कि सर बैक फैट, इसको ब्रा फैट भी बोलते हो, वो काफ़ी जमा हुआ यहाँ पे जो फैट स्टोर हो जाता है, उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे कौन सी वर्कआउट कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही उमदा वर्कआउट होगी। सो पैरों को फंसा रखो, ठीक है, ग्रिपिंग अच्छी रखो। अब चाहो तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों वेरिएशन है, इम्पैक्ट उतना ही पड़ेगा, बट कुछ दिन तक आप चाहो तो ऐसे करो, कुछ दिन चाहो आप ऐसे करो। सो वैरायटी और वेरिएशन करते रहोगे तो बॉडी हमारी यूज टू नहीं होगी। सो करेंगे 10 रैप्स, आगे ले आए, होल्ड पीछे, देन धीरे धीरे आगे। अगर ध्यान दो तो मैं आगे नहीं हो रहा हूँ, मेरी बैक बेंड हो रही है, मैं बैक को लॉक रखा हूँ, पीछे होल्ड, देन पूरा आगे। ये देख रहे हो मेरी बैक में, बैक को मेरे ध्यान से देखो, 4, थोड़े से मैं टर्न हो जाऊं, आप मेरी बैक साइड को देखो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, 5, 6, ओके। सो ये टीसी वर्कआउट हो गई आपकी बैक के लिए, वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट थी, जिसकी भी आपको लगाओगे 10-10 के 3 सेट। सो अब हम लोग करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन, यानी कि जो हमारा थाई का ये वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग अब ट्रेन करेंगे। सो इसी के सहारे करेंगे। सो अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये स्प्रिंग लूज़ हो जाएगी तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी की है तो इसको लूज़ होने के कोई भी चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसको लेके डाउट में मत रहना। तो ये है एक डेडलिफ्ट की वैरायटी विथ टमी ट्रिमर। सो बैक को लॉक रखेंगे, ये नी को बेंड नहीं करना है, पूरा नीचे होल्ड, देन होल्ड हियर। देख रहे हो मेरे हैमस्ट्रिंग, मेरे ग्लूट्स पे मुझे प्रेशर और टेंशन क्रिएट हो रहा है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही ड्यूरेबल मुझे ग्रिप मिल रही है हाथों में, लग रहा है मैंने कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स को हाथों में ले रखा हुआ है। और ग्रिपिंग इतनी अच्छी कि वर्कआउट भी इजी हो जा रहा है, और जो पैरों में इसकी ग्रिपिंग है वो भी बहुत उमदा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वर्कआउट करने में मज़ा भी आएगा आपको, और एक नई वेराइटी ऑफ वर्कआउट आप कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस टमी ट्रिमर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। तो ये हुई हमारी कंप्लीट वर्कआउट। तो बहुत ही अच्छा लगा, कुछ वर्कआउट्स की जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशन आते हैं तो आपको भी अच्छा फील होता है। वैरायटीज़ ऑफ वर्कआउट करने की हैबिट डालोगे तो आप बोर नहीं होगे और आपको अंदर से किक मिलता रहेगा वर्कआउट करने के लिए। सो ये थी कंप्लीट वर्कआउट विद हेल्प ऑफ टमी ट्रिमर। सो अगर आप चाहते हो इस टमी ट्रिमर को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करा तो मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके साथ साथ चाहते हो मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूं तो नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट वेट गेन और वेट लॉस के लिए तो आप मुझे इंस्टा हैंडल पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, फॉलो अप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट या डाइट प्लान या किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। बाय बाय।